बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल सारे व्यूअर्स दा मनोरोड़ा दी तरफ तो फगवाड़ा प्राइम टाइम टीवी मंच ते आप सबका स्वागत है। सीनियर आगू नमीशा मेहता जी अज देर शाम चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा के मुख दफ्तर विखे भाजपा पंजाब के सूबा इंचार्ज और गुजरात के सबका मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी की मौजूदगी विच भाजपा विच मुड़ शामिल हो गए हैं। निमिशा मेहता जी ने 2022 च कांग्रेस छड़ के भाजपा वालों गढ़शंकर के विधानसभा हलका तो चुनाव लड़िया सी जिस विच वो हार गए सन। इस मौके साबका मंत्री गुजरात भूपिंदर सिंह जी सूबा मीत प्रधान भाजपा पंजाब केवल सिंह ढिल्लों सूबा सह खजानची सुखविंदर गोल्डी आदि हाजिर सन। निमिशा मेहता जी की भाजपा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निमिषी जी का मैं स्वागत करता हूं। सबको पता है कि हमारी गढ़शंकर में भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं और उन्होंने भी काफ़ी गढ़शंकर में लोगों की जनता की उन्होंने सेवा की है। बीच में कह सकते हम दुर्घटना हो गई लेकिन वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से निमिषा जी को पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी ने वापस उनको लेने का फैसला किया है और जो पहले जिस पोजीशन से जिस तरीके से वो काम कर रही थी उसी तरीके से अब पार्टी में वो सक्रिय होगी और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में गढ़शंकर विस्तार में और हमारी आनंदपुर लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी शक्ति के साथ उभरेगी और हम अवश्य विजयी पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से निमिषा जी का स्वागत करता हूं और फिर से उनको पार्टी में काम करने का आदेश करता हूं। सत्कारयोग साढ़े स्टेट के इंचार्ज केवल ढिल्लों साहेब और गुजरात तो आए हुए MLA साहेब गोल्डी जी मंडल अध्यक्ष जी साबका मंडल अध्यक्ष ते वाइस प्रधान ऐसी मोर्चा जिला वाइस प्रधान जी अज और सामने बैठे हुए सारे दे सारे सत्कार योग साथी साहबान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग सीगी वो क्लियर हो चुकी है और मैं ये कहना चाहनी हाँ कि मेरे लिए पहले भी सारे जाने बड़े सम्मान योग सीगे सत्कार योग सीगे और ना तो मैं पहले कदी किसी दे नाल मेरा यहो जिहा विहार रहा ना बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग सीगियाँ वो क्लीयर हो चुकी हैं और अज तो आप सारे तगड़े हो के पार्टी के वास्ते काम करांगे चाहे अविनाश जी ने या कोई होर सीनियर बंदे जिन्हें भी है मेरे वास्ते सारे ही जेडे मैं उन्होंने वास्ते एक चंगी भावना रखी है मन दे विच रिस्पैक्ट रखी है जो मिसअंडरस्टैंडिंग सीगी वो क्लीयर हो चुकी है तो मैं जड़ा सारे साथी साहबानों को कहनी है कि तगड़े होके आप जड़े हुण काम करिए ते आनंदपुर लोकसभा लई उन्हों जितान लई तगड़े होके मैदान दे विच जड़ा नितरीए और ताकि लोगों नूं भी पता लगे कि गढ़शंकर दे विच जड़ी नेरी है वह भारतीय जनता पार्टी की चल रही है।
साबका सीएम गुजरात विजय भाई रूपानी जी पंजाब के इंचार्ज ने साढ़े साबका मंत्री साहब गुजरात तो साड़ी भैन मनीषा जी सुविंदर गोल्डी जी अपने ट्रेजर साहब तो वाइस प्रेजिडेंट साहब सारे जिन्हें इतने अहदेदार साहबान आए आज मैं यही कहना चाहना कि मनीषा जी की घर च वापसी हुई है बहुत मेहनत करते रहे पहला भी अपने परिवार के मैंबर ने और जिमें इन्होंने कहा कि इन्हों के आने के नाल पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा कि एक बहुत मेहनती है मैं आप देखिया बहुत पिछले 15-20 साल तो असी पहले एको पार्टी सीगे सो काम करते रहे हैं सारे कट्ठे रहे हैं अज भी असी हुण अपने विजय भाई रूपानी जी नूं साबका मंत्री साहब नूं यही विश्वास दवाने हैं कि पंजाब की जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे आ इन्हां दी रेख देख विच हो रही आ उह रूपानी साहब 13 दे 13 सीटां जित के पंजाब थोड़े झोली च पाएगा मनीषा जी के साथ जिन लोगों को उनके साथ में सबको निकाला जो जिनको लोगों को निकाला थे ये हमारा परिवार है और परिवार में भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार के सदस्य होते हैं और परिवार में कभी कभी कुछ हो जाता है लेकिन आफ्टर ऑल परिवार ही परिवार है तो सबको हम वापस ले रहे हैं और उनके साथ जिन दो लोग हैं सबको भारतीय जनता पार्टी में आज हम साथ में जोड़ रहे हैं चले बहुत बहुत धन्यवाद।